बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहायत मशहूर और जलील कदर सहाबी हैं और इतनी कसरत से हदीसें इनसे नकल हैं कि किसी दूसरे सहाबी से इतनी ज़्यादा नकल की हुई मौजूद नहीं है। इस पर लोगों को ताज्जुब होता था कि सन 7 हिजरी में ये मुसलमान होकर तशरीफ़ लाए और सन 11 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इतनी कलील मुद्दत में, जो तकरीबन 4 बरस होती है, इतनी ज़्यादा हदीसें कैसे याद हुईं? खुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी वजह बताते हैं। फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत रवायतें नकल करते हैं। मेरे मुहाजर भाई तिजारत पेशा थे और बाज़ार में आना जाना पड़ता था, और मेरे अंसारी भाई खेती का काम करते थे। इसकी मशगूली इनको दरपेश रहती थी। और अबू हुरैरा अस्हाबे सुफा के मसाकीन में से एक मस्कीन था, जो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में जो कुछ खाने को मिल जाता था, इस पर कनात किए पड़ा रहता था। ऐसे औकात में मौजूद होता था जिसमें वो नहीं होते थे, और ऐसी चीज़ें याद कर लेता था जिनको वो याद नहीं कर सकते थे। एक मरतबा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाफ़ज़ा की शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चादर बिछा। मैंने चादर बिछाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों से इसमें कुछ इरशाद फरमाया। इसके बाद फरमाया, इस चादर को मिला ले। मैंने अपने सीना से मिला लिया। इसके बाद से कोई चीज़ नहीं भूला। दोस्तों, अस्हाबे सुफा वो लोग कहलाते हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया खानकाह के रहने वाले थे। इन हजरात के अखराजात का कोई ख़ास नज़म नहीं था, गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे, जो कहीं से कुछ हदिया या सदका के तौर पर आता, इस पर इनका ज़्यादातर गुजर था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इन्हीं लोगों में थे। बसा औक़ात कई वक्त फाके के भी इन पर गुजर जाते थे। बाज़ औक़ात भूख की वजह से जुनून की सी हालत हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद अहादीस का कसरत से याद करना इनका मशगला था, जिसकी बदौलत आज सबसे ज़्यादा अहादीस इन्हीं की बताई जाती हैं। इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तल्फी में लिखा है कि 5374 हदीसें इनसे मरवी हैं। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाजा के मुतल्लिक एक हदीस बयान की कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स जनाजा की नमाज पढ़कर वापस आ जाए, इसको एक किरात सवाब मिलता है, और जो दफन तक शरीक रहे, इसको दो किरात सवाब मिलता है, और एक किरात की मकदार बहुत पहाड़ से भी ज़्यादा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस हदीस में कुछ तरद्दुद हुआ। उन्होंने फरमाया, अबू हुरैरा सोच कर कहो। इनको गुस्सा आ गया। सीधे हजरत आयशा के पास गए और जाकर अर्ज़ किया कि मैं आपको कसम देकर पूछता हूँ, ये किरात वाली हदीस आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी? उन्होंने फरमाया, हाँ सुनी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाने लगे कि मुझे हुजूर के ज़माना में ना तो बाग में कोई दरख्त लगाना था, ना बाज़ार में माल बेचना था। मैं तो हुजूर के दरबार में पड़ा रहता था और सिर्फ ये काम किया था, कोई बात याद करने को मिल जाए या कुछ खाने को मिल जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, बेशक तुम हम लोगों में से सबसे ज़्यादा हाजिर बाश थे और अहादीस को ज़्यादा जानने वाले थे। इसके साथ ही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं 12,000 मरतबा रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, और एक धागा इनके पास था जिसमें 1,000 गिरा लगी हुई थी। रात को इस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक इसको सुबहान अल्लाह के साथ पूरा नहीं पढ़ लेते थे। अल्लाह ताला हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।